हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एक मॉडल पेपर जो ESIC और दिल्ली एम्स जो सफदरजंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू से एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, द टर्म रिगर्जिटेशन इम्प्लाइज टू सीजेशन ऑफ मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। रिगर्जिटेशन क्या होता है? बैक फ्लो, जो स्टोमक के जो कंटेंट है वो बैक फ्लो हो उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। तो इसमें ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। विलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, विलाई है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? ए फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, बी मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, सी डाइजेशन ऑफ फूड एंड डी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें राइट आंसर होगा डी। जो विलाई है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इंक्रीज सरफेस एरिया के लिए और साथ में एब्जॉर्प्शन के लिए, ये दो काम करती हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें डी। दी एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो क्या होगा? जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका जो लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या बचेगा? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड, बी मिनरल्स, सी फैटी एसिड एंड डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा इसमें ए अमाइनो एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट टेक प्लेस इन टू, ए RBC, बी ब्लड कैपिलरीज, सी लैक्टियल्स एंड डी बोथ ए एंड सी। राइट आंसर होगा इसमें सी लैक्टियल। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कंटेन ए ओनली प्रोटीन, बी प्रोटीन एंड कैल्शियम, सी ओनली आयरन एंड डी बोथ प्रोटीन एंड आयरन। तो इसमें राइट आंसर होगा डी बोथ प्रोटीन एंड आयरन। आयरन और प्रोटीन दोनों चीज हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, पैथोजन मीन्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज, बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल्स, सी ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट। पैथोजन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो इनमें जो बी सी और डी है ये तो वैसे गलत हो गए। तो राइट आंसर होगा ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। नेक्स्ट, क्लैब्स लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी एंड डी लैक्टो बैसिलस। राइट आंसर होगा इसमें सी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। नेक्स्ट, HIV वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, HIV जो वायरस है वो इनमें से कौन कौन से ग्रुप का वायरस है? ए फ्लेवी वायरस, बी रिट्रो वायरस, सी रैबडो वायरस एंड डी हिपेडना वायरस। तो इसमें राइट आंसर होगा बी रिट्रोवायरस। और जो इसमें दी जाती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि ये रिट्रोवायरस जो ग्रुप है उसका वायरस है इसलिए ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट आता है, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, ए फर्स्ट यूरिन, बी लास्ट यूरिन, सी मिड स्ट्रीम यूरिन एंड डी फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। राइट आंसर इज सी मिड स्ट्रीम यूरिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ए लुईस पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी एंटेल लुवेन हॉक, डी लैंड स्टेनर। राइट आंसर इज ए लुईस पाश्चर। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम इन एन एडल्ट इज
अबाउट ए 300 ml, बी 500 ml, सी 1000 ml एंड डी 700 ml। राइट आंसर इज बी 500 ml। नेक्स्ट, रोदर टेस्ट इज द टेस्ट फॉर ए बाइल साल्ट, बी एसीटोन, सी शुगर एंड डी एल्बुमिन। रोदर टेस्ट इज द टेस्ट फॉर एसीटोन। राइट आंसर इज बी एसीटोन। When a drug is to be given at bedtime, which of the following coded instruction is used? SOS, OD, HS, AC. Right answer is C, HS, at bedtime. Before administering the medicine to a patient, a nurse check the prescription 4 times, 1 time, 3 times, 2 times. Right answer is C, 3 times. The tube feeding should be delayed if the amount of gastric content exceed A 50 ml, B 30 ml, C 25 ml and D 20 ml. Right answer is A 50 ml. Nursing intervention designed to decrease the risk of infection in a patient with an indwelling catheter include A, maintain intake of 1200 to 1500 ml every day, B, change catheter tubing and bag every 48 hours, C, empty catheter drainage bag at least daily, and D, cleans are around meters. Right answer is D, cleans are around meters. Next, to give Fowler's position to a patient, the head end of the bed is raised to A 45 degree angle, B 60 degree angle, C 15 degree angle and D 35 degree angle. Right answer is A 45 degree angle. In following, which solution is used for cleaning of thermometer? A ORS, B boiled water, C tap water and D alcohol. Right answer is D alcohol, 70% alcohol. For effective sterilization, temperature in an autoclave should be A 90 degree centigrade, B 110 degree centigrade, C 121 degree centigrade and D 100 degree centigrade. Right answer is C 121 degree centigrade for 15 minutes. During giving enema, if the patient complained for abdominal cramps, then nurse should administer analgesic, B slow the rate of enema, C continue giving enema, D stop giving enema. Right answer is D, stop giving enema. Next, paracetamol medicine drugs is A antiemetic, B antiasthmatic, C antitussive and D antipyretic. Right answer is D, antipyretic. Next, 1 teaspoon medicine is equal to 1 teaspoon is equal to 5 ml. The medicine given during acute anaphylactic reaction is
ए एड्रेनलिन, बी डायरिफाइलिन, सी अमाइनोफाइलिन एंड डी एट्रोपिन। राइट आंसर इज ए एड्रेनलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अलोंग विद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्विनिन सल्फेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, बी ग्लूकोज, सी मल्टीविटामिन एंड डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। राइट आंसर इज बी ग्लूकोज। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ए प्रोटामाइन, बी हिपेरिन, सी वारफरिन एंड डी एस्पिरिन। राइट आंसर इज सी वारफरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक इज यूज इन ओल्ड एज। ए एम्पिसिलिन, बी डाइक्लोफेनिक सोडियम, सी मॉर्फिन एंड डी एस्प्रिन। राइट आंसर इज डी एस्प्रिन। एस्प्रिन इज यूज इन एनाल्जेसिक फॉर द पर्पज ऑफ ओल्ड एज पीपल। इन फॉलोइंग विच इज ए साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ए डायरिया, बी बोन मैरो डिप्रेशन, सी डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, डी डैमेज टू एट्थ क्रेनियल नर्व। राइट आंसर इज डी डैमेज टू द एट्थ क्रेनियल नर्व। मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए MI, बी पैनक्रेटाइटिस, सी ब्रोंकियल अस्थमा एंड डी एंजाइना। राइट आंसर इज सी ब्रोंकियल अस्थमा। डिजिटलिस हैज पॉजिटिव इन इनोट्रॉपिक इफेक्ट्स बाय वर्चू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन। ए कैल्शियम पंप, बी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, सी सोडियम ग्लूकोज चैनल एंड डी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। राइट आंसर इज डी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ड्रग ऑफ चॉइस इन हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज ए एल्बेंडाजोल, बी मेवेंडाजोल, सी बेफिनियम हाइड्रोक्सी नेफ्टोएट, डी पाइपेराजिन सिट्रेट। राइट आंसर इज ए एल्बेंडाजोल। द हेमलिच मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट फॉर एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अटेम्प्ट टू ए पुट प्रेशर ऑन द अपेक्स ऑफ द हार्ट, बी इंड्यूज एम्पटिंग ऑफ द स्टमक, सी इंक्रीज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, डी फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग्स। राइट आंसर इज डी फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर लिपिड एबनॉर्मलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस एंड PVD। ए लो लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल, बी लो कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड्स, सी हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लाइपो लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड डी हाई लेवल्स ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर इज डी हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपो या लिपिड कोलेस्ट्रॉल। ए मेल क्लाइंट हैज अंडरगोन स्पाइनल सर्जरी। द नर्स शुड ए एनकरेज क्लाइंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड, बी असेस द क्लाइंट फिट फॉर सेंसेशन एंड सर्कुलेशन, सी लॉग रोल द क्लाइंट टू प्रोन पोजिशन, डी ऑब्जर्व द क्लाइंट बोवल मूवमेंट एंड वॉइडिंग पैटर्न। राइट आंसर इज बी
assess the client's fit for sensation and circulation. A client is experiencing spinal shock, nurse Swati should expect the function of the bladder to be which of the following? A. Uncontrolled, B. Spastic, C. Atonic, and D. Normal. Right answer is C. Atonic. Causes of nephrogenic diabetes insipidus E is A. Histiocytosis X, B. Genetic, C. Post head injury, D. Idiopathic. Right answer is B. Genetic. Next, phimosis is A. Inflammation of testes, B. Undescended testes, C. When retraction of foreskin is difficult to or impossible, and D. None of the above. Right answer is C. When retraction of foreskin is difficult or impossible. Mask-like facies is a typical feature of A. Down syndrome, B. Parkinson's disease, C. Hypothyroidism, and D. Tetanus. Right answer is B. Parkinson's disease. During the edematous phase of the nephrotic syndrome, an important nursing intervention is to A. Weigh the child every alternate day, B. Encourage moderate activity, C. Encourage fluid intake, D. Provide meticulous skin care. Right answer is D. Provide meticulous skin care. Initial nursing assessment of an infant suffering with acute diarrhea and dehydration reveals A. Weight gain, B. Bulging fontanel, C. Low hematocrit, and D. Skin trigger. Right answer is D. Skin trigger. The most likely side effect of external radiation to the neck for cancer of larynx is A. Diarrhea, B. Sore throat, C. Dyspnea, and D. Constipation. Right answer is B. Sore throat. A nursing intervention in thrombophlebitis would be contraindicated. A. Massaging the affected leg, B. Applying warm pack to the affected leg, C. Turning the patient from side to side, D. Maintain strict bed rest. Right answer is D. Maintaining strict bed rest. Right answer hoga isme A. Massaging the affected leg. Following an injury, the nurse should assess for fat embolism. A. Patient on skeletal traction. B. History of chronic respiratory distress. C. During first 48 hour. D. During first 24 hour. Right answer is C. During first 48 hour. A patient with acute pancreatitis has NG tube for low intermittent suction to prevent A. Peristalsis, B. Pancreatic stimulation, C. Gastric reflex, D. Chronic distortion. Right answer is B. Pancreatic stimulation. Hydrophobia is a sign observed in a patient with A. Mosquito bite, B. Snake bite, C. Dog bite, and D. Ant bite and chitti. Right answer is C. Dog bite. A patient with cardiovascular disorder had a diminished gag reflex. The nurse will
टेस्ट क्रेनियल नर्व, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स, ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूड, मेंटेन साइडलाइन पोजिशन, डी इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर। राइट आंसर इज सी, मेंटेन साइडलाइन पोजिशन। विच प्रोटेक्टिव टर्म्स ए नर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर टू द पेशेंट विद नोजोकोमियल इन्फेक्शन? ए ग्लव्स गाउन्स एंड गोगल्स, बी ग्लव्स गाउन्स एंड शू प्रोटेक्टर, सी ग्लव्स एंड गाउन एंड डी ग्लव्स एंड गोगल्स। राइट आंसर इज ए, ग्लव्स गाउन्स एंड गोगल्स। टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड? ए कैथेटराइजेशन, बी CPR, सी प्रॉपर पोजिशनिंग एंड डी ECG मॉनिटरिंग। राइट आंसर इज बी, CPR। क्रेटिनिज्म अक्कर ड्यू टू? ए हाइपर पिट्यूटरीज्म, बी एल्डोस्टेरोनिज्म, सी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डी हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट आंसर इज डी, हाइपोथायरॉयडिज्म। टिटेनी अक्कर्स ड्यू टू? ए हाइपरकैल्सीमिया, बी हाइपोकैल्सीमिया, सी हाइपोनेट्रेमिया एंड डी हाइपरनेट्रेमिया। राइट आंसर इज बी, हाइपोकैल्सीमिया। ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन? नो इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, सी इंक्रीज एंड डी डिक्रीज। राइट आंसर इज डी, डिक्रीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट टू के अंदर, बच्चे हुए क्वेश्चन को पार्ट टू में पूरा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।